हेलो फ्रेंड्स, जगदेव इन नॉलेज आपके अपने खुद के चैनल में एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे मुद्रा लोन के बारे में कि जब आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हो जाती है। अगर आपने पहले कभी लोन के लिए अप्लाई किया है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है तो इस वीडियो को इसलिए देखें जिससे कि आप फिर से अप्लाई करें तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार ही अप्लाई करने जाएंगे तो आपका लोन तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। और अगर आप बैंकर हैं तो इस वीडियो को इसलिए देखिए कि किस टाइप के एप्लीकेशन आपको रिजेक्ट कर देनी चाहिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला रीजन जो रिएक्शन का होता है वो होता है कि आपको स्कीम के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होती है। आपको बस इतना पता होता है कि आपको मुद्रा स्कीम में लोन चाहिए, लेकिन उसके फीचर्स क्या हैं वो आपको नहीं पता होते। दूसरा रीजन होता है कि जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं बैंक में तो कोई भी डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाते हैं। जब आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो अपने KYC, अगर आपका लोन बढ़ा है तो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेके जाएं, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो अपनी ITR लेके जाएं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट लेके जाएं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं और जो वायबल हो सकते हैं उनको आप प्लीज़ साथ लेके जाइए। थर्ड रीजन ऑफ रिजेक्शन इज बिजनेस प्लान नॉट क्लियर। इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रांच में जाते हैं बैंक में तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, तो अक्सर आप जवाब देते हैं साहब कोई भी बिजनेस कर लेंगे, आप बता दो। इस टाइप के रिप्लाई ना करें, स्पेसिफिक रिप्लाई करें। आपको जो भी बिजनेस करना है क्लियर कट बोलें कि मुझे ये बिजनेस करना है और उसके लिए मुझे मुद्रा लोन चाहिए। रिजेक्शन का एक और रीजन है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट बिजनेस। जब आप बता देंगे मैनेजर को कि मुझे ये बिजनेस करना है तो अगला क्वेश्चन होगा कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है या इसमें आप कैसे करेंगे। तो अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है या थोड़ी कम नॉलेज है तो आप बता नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपके लोन के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपना होम प्रिपेरेशन सर्च रिसर्च पहले से करके बैंक में जाएं। नेक्स्ट रीजन होता है कि आप अपने फाइनेंस को बता नहीं पाते कि आपको कितना लोन चाहिए। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि मुद्रा लोन लेने के लिए जितने भी लोग बैंक में अभी तक गए, जब मैनेजर ने उनसे क्वेश्चन किया कि कौन लोन कितना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए या जितना आप दे सकते हैं दे दीजिए। ये कोई रिप्लाई नहीं होता। आपको जितने लोन की आवश्यकता है, आपके प्रोजेक्ट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, आपको वो क्वांटम बताना है। जब भी आप लोन लेने जाएंगे एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप ये लोन क्यों ले रहे हैं। हम में से ज़्यादातर एप्लीकेंट क्या गलती करते हैं मुद्रा लोन के केस में, वो बोल देते हैं कि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि मुद्रा लोन मिल रहा है इसलिए हम ले रहे हैं। आपको कभी भी ऐसे नहीं बोलना है, आपको बताना है कि मैं इस बिजनेस के लिए लोन लेने जा रहा हूँ। अपने बिजनेस के हिसाब से एक क्लियर अपने दिमाग में रखें कि आप टर्म लोन लेना जा रहे हैं या कैश क्रेडिट लिमिट लेना चाहते हैं। आप बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे तो मैनेजर का ऑटोमेटिकली आपके ऊपर फेथ बढ़ेगा कि आप रियल में सीरियस हैं और इस लोन को चुकाना चाहते हैं। तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको लोन को लगने वाला है वो ज़रूर पूछें। अगर आप बैंक से डिमांड लोन या टर्म लोन लेने जा रहे हैं और आपका लोन कैश क्रेडिट नहीं है, यानी कि आप कैश क्रेडिट नहीं लग रहे हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट देना होता है यानी कि EMI, तो अपना EMI पूछना ना भूलें। EMI पूछना भी वही काम करता है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछना करता है, यानी कि आपके ऊपर बैंक मैनेजर का फेथ बढ़ता ही जाता है। आपका लोन कितने सालों का रहेगा अर्थात आपको कितने साल तक का EMI देनी होगी ये पूछना ना भूलें। मुद्रा लोन के लिए हमेशा उस बैंक को अप्रोच करें जो कि आपके पास में हो और जिस बैंक के साथ आपका पहले से बैंकिंग रिलेशनशिप हो। मुद्रा लोन को सेंक्शन न करने के पीछे एक और रीजन होता है जो कि होता है NPA होने का डर, लेकिन इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर पास्ट में मुद्रा लोन NPA हुए हैं तो आपकी वजह से नहीं हुए हैं। तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि बाकी के जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं उनको ध्यान में रखें। सभी मैनेजर से भी वही रिक्वेस्ट करते हैं कि इन मापदंडों को थोड़ा दिमाग में रखें तो आपको एप्लीकेंट चूज करने में आसानी रहेगी। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अब दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो घंटी बजा दीजिएगा जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच।